विराजमान हैं, बशर्ते कि हम अपनी आँखें खुलवाना चाहें। समझ के मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप अपने हृदय के पट को खुले रखेंगे तो ही शब्द यहाँ से प्रवेश करेंगे। साहब ने कहा, औंधे घड़ा नहीं जल बूढ़े, सीधे सो जल भरिया। घड़े को उल्टा रख दो और नल चला दो, या बारिश हो रही है उल्टा रख दो, घड़ा नहीं भरेगा, सीधा रखना होगा। ऐसे ही अपने चित्त को, अपने हृदय को खोल करके रखेंगे तो संतों के विचार भीतर प्रवेश करेंगे और वो बदलाव लाएंगे, और वो तब संभव होता है जब हमारे भीतर के कलमश टूटने लगते हैं, विकार टूटने लगते हैं, तो हमारा चित्त साफ होता है और विवेक का नेत्र खुलता है, जिससे हम दुनिया को सही तरीके से देख सकते हैं, जो जैसा है उसको उसी रूप में देख सकते हैं। मतलब यदि हमें संत गुरु के पास आकर के मांगना है तो एक ही चीज़ मांगनी चाहिए, क्या? आप वह शक्ति दे दीजिए जिसके आधार पर आप दुनिया देखते हैं, दुनिया को समझते हैं, वो आँख दे दीजिए बस। जिस ढंग से आप संसार को समझते हैं बस उसी रूप में मैं समझने लग जाऊं, जिस ज्ञान से आप जीते हैं वही ज्ञान मेरे भीतर आ जाए, मैं भी वैसा ही जीने लग जाऊं। इस मांग के साथ हम लोग संत गुरु के पास आते हैं, और हमारे बीच विराजमान है पूज्य श्री साहब जी। आपसे निवेदन है कि आप अपने विचार हम सबके बीच रखें। कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से पधारे हुए वीरद विवेक संपन्न श्रद्धेय श्री साहेब जी, कबीर पारक संस्थान सूरत से पधारे हुए संत प्रवर अध्यक्ष श्री गुरुभूषण साहेब जी, कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से पधारे हुए अध्यक्ष श्री संत कृपाशरण साहेब जी, राजस्थान से पधारे हुए श्री सागर साहेब जी, आश्रम यहाँ हैदराबाद से पधारे हुए श्री बोधप्रिय साहेब जी, विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए सभी श्रद्धेय संत गुरुजन, आदरणीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर्त देवियों एवं प्रिय बच्चों, कबीर जयंती महोत्सव का आज तीसरा दिन का यह अंतिम सत्र है। सभी श्रद्धेय गुरुजन संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। चार पंक्ति हैं। प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है और बुद्धिजीवी प्राणी है। संसार में केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जो जीवन के राज को समझ सकता है। मानवेतर प्राणी जीवन के राज को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके पास बौद्धिक क्षमता नहीं है। शारीरिक क्षमता में तो वे मनुष्य बहुत आगे हैं, किंतु समझने की उनके पास क्षमता न होने से जीवन के राज को नहीं समझते। जीवन दो मूलभूत तत्वों का संगम है, जिसे हम शास्त्रों की भाषा में प्रकृति और पुरुष कहते हैं, सामान्य भाषा में जड़ और चेतन कहते हैं, और सरल शब्दों में कहें तो शरीर में जीव की उपस्थिति का नाम जीवन और उसकी अनुपस्थिति का नाम मृत्यु। जीवन में दो चीजें हैं, एक शरीर है, एक शरीर में रहने वाला, एक मकान होता है, एक मकान में रहने वाला मकान मालिक होता है। मकान मालिक दावा करता है यह मकान मेरा है, किंतु आज तक किसी मकान ने दावा नहीं किया है
कि ये मालिक मेरा है। कारण बहुत साफ है, मकान जड़, जड़ में ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना दावा नहीं होता। आप चैतन्य हैं, आप दावा करते हैं कि शरीर मेरा है। हर आदमी प्रयोग करता है कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मैं सिर में दर्द हूं, कोई नहीं कहता। एक छोटा सा सूत्र याद रहे, जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता। हाथ पैर आंख कान सब मेरे हैं तो मैं नहीं। मैं कौन हूं? मैं इनका कहने वाला हूं, चेतन। अज्ञान बस आदमी मेरे को ही मैं मान लेता है, ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप। अज्ञान के कारण से आदमी मेरे को, शरीर को मैं मान लेता है। जो कुछ दिखता है यही मैं हूं, वो भूल ही जाता है। देखने वाला न रहे तो क्या दिखाई देगा? जो दिखता है वो पर है, क्या दृश्य है, और मैं देखने वाला दृष्टा चैतन्य हूं। ये दृष्टि हमें गुरुजनों से, संतों से प्राप्त होती है। प्रायः संसार के सभी आदमी यही सिखाते हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, मन को मत कल्पाओ, तुम शरीर हो। संसार में दो प्रकार की विचारधारा है, एक भौतिक विचारधारा, दूसरी आध्यात्मिक विचारधारा। भौतिक विचारधारा वाला व्यक्ति ये मानता है कि मैं शरीर हूं, मेरे जीवन का लाभ, खाओ पियो मौज उड़ाओ। ऐसे ही एक बाबूजी थे, भौतिकवादी थे, संतों से बहुत दूर रहते थे। कुछ लोग ऐसी प्रकृति के होते हैं, उनके मन में तरह तरह के प्रश्न संतों के प्रति उठते हैं, किंतु कोई समाधान न पाने से, कह न पाने से अपने मन के अनुसार जीवन जीते हैं। संसार की ओर उनकी अधिक प्रवृत्ति हुई, शादी हुई, कुछ वर्षों में बच्चों की कतार लग गई। गृह देवी के पास बच्चों के लिए दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं रहा, बच्चे रोते, गृह देवी चिड़चिड़े स्वभाव की हो जाती, बाबूजी परेशान रहते। मित्रों से उन्होंने विचार विमर्श किया, मित्रों ने कहा बच्चे के लिए गाय का दूध, माँ का दूध, बकरी का दूध उपयोगी होता है। आप कर्मचारी हैं, रेलवे विभाग में हैं, गाय कहाँ पालेंगे, एक बकरी पाल लीजिए, बकरी का दूध बच्चों को मिलेगा तो बच्चे आसानी से रह लेंगे, माँ को भी राहत मिलेगी, आपको भी राहत मिलेगी। मित्रों की बात उन्हें अच्छी लगी, बाबूजी एक बकरी पाल लिए, सुबह शाम एक एक किलो दूध देती रही, बच्चों को दूध पीने को मिला, माँ को भी राहत मिली, बाबूजी को भी राहत मिली। एक दिन बाबूजी टिकट काट करके, झंडी लेकर के लाइन पर खड़े हो गए अपने, और बकरी रेलवे लाइन की पटरी पर खड़ी थी। बाबूजी सोचते हैं इसी पटरी से ट्रेन आ रही है, बकरी को कुछ पता नहीं है, इसको हटा दिया जाए तो ठीक है। बाबूजी हटा देते हैं, अपना स्थान ग्रहण करते हैं, बकरी पुनः उसी स्थान पर जाकर फिर खड़ी हो जाती। बाबूजी सोचते हैं ट्रेन अभी दूर है, अभी इसको फिर हटाया जा सकता है, इसे कुछ पता नहीं है। बाबूजी हटाने के लिए जाते हैं, ऐसे समय पर ट्रेन आ जाती है, बाबूजी का और बकरी का दोनों का एक्सीडेंट होता है। बकरी का ऊपर का भाग खत्म हो जाता है, अब बाबूजी का नीचे का भाग खत्म होता है। वहां जो रेलवे विभाग में डॉक्टर लोग थे, बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा जिसका जो भाग खराब हो गया उसको निकाल दें, बाकी ज्वाइंट कर दें। बाबूजी का नीचे का भाग खराब हुआ, बकरी का ऊपर का भाग खराब हुआ, दोनों को निकाल करके ज्वाइंट किए। एक महीना के बाद बाबूजी को छुट्टी मिली। अब बाबूजी दोनों काम करते हैं, बाबूजी ऊपर से बाबूजी हैं, टिकट भी काटते हैं, झंडी भी दिखाते हैं, नीचे से बकरी भी हैं, सुबह शाम एक किलो दूध भी देते हैं। आपके मन में होता होगा क्या ऐसा हो सकता है,
कि बाबूजी सुबह शाम दूध भी दें, बाबूजी झंडी भी दिखाएं। आप लोगों ने कभी संदेह नहीं किया है। अगर ऐसा नहीं संभव है कि बकरी भी बाबूजी दूध भी दें और झंडी भी दिखाएं, तो हजारों साल पहले गणेश जी को कैसे ऐसे फिट कर दिए? गणेश जी बच्चे हैं और हाथी का ला करके सूंड फिट कर दिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो वैसा भी नहीं हो सकता है। आदमी कुछ सोचता ही नहीं। धर्म के नाम पर आदमी ने बुद्धि का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दिया। अगर हाथी का गर्दन काट दिया जाए और बच्चे का गर्दन काट दिया जाए, दोनों जिंदा रहेंगे मर जाएंगे? कोई आदमी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। आज तक उसी प्रकार से मानते चले आते हैं। भौतिक विचारधारा में आदमी अशांतिमय जीवन जीता। हर आदमी का परम कर्तव्य है कि हम जीवन में धर्म और धर्म के क्षेत्र में श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। आदमी के मन में श्रद्धा हो, साथ साथ बुद्धि का प्रयोग करें। हम सब चीजों की परख करते हैं, चीजों की परख करते हैं। सुबह होते ही फल खरीदते हैं, उसकी परख करते हैं। सब्जी खरीदते हैं, उसकी परख करते हैं। कपड़े खरीदते हैं, उसकी परख करते हैं। भौतिक चीजें जो भी खरीदते हैं उसकी परख करते हैं, किंतु दो चीजों की परख नहीं करते। आपके मन में प्रश्न उठता होगा, वो दो चीजें कौन है? एक ग्रंथ में लिखी हुई वाणी की परख नहीं करते। ग्रंथ में जो वाणियां लिखी गई हैं उसकी आप परख नहीं करते हैं। इसीलिए संप्रदाय जगत में जितना अंधविश्वास है, आज के इस वैज्ञानिक युग में भी ज्यों का त्यों सुरक्षित है। क्योंकि चालाक लोगों ने कह दिया कि हमारी पुस्तक आकाश से आई है, अपौर से है, ईश्वर वाणी है, कहीं आकाश में प्रेस नहीं है कि वहां से छप करके पुस्तक आ जाती। हमारा बुद्धिजीवी मानव शिक्षक बंधुगण अच्छी तरह से जानते हैं, ओष्ठ दंत तालु जिह्वा न हो तो स्वर व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। ओष्ठ दंत तालु जिह्वा भी हो, शरीर में चेतना न हो तो भी नहीं हो सकता है। शरीर में चेतना भी हो, अगर आदमी गहरी नींद में सो गया हो तो भी नहीं हो सकता है। जागृत अवस्था में हो, बोलना ना चाहे तो भी नहीं हो सकता है। स्वर व्यंजन के उच्चारण में कितनी चीजों की अपेक्षाएं हैं, तब होता है। केवल कल्पना के लोक में हम मान लेते हैं कि हमारे ग्रंथ में जो कुछ लिखा है सब सच लिखा है। सब सच नहीं है। अगर सब सब सच होता तो पूरी दुनिया में एक किताब होती, एक नियम होता, एक कानून होता, भिन्न भिन्न नहीं होता। इसलिए ग्रंथों में जो लिखा गया है सब सच नहीं है, उसकी भी परख करनी चाहिए। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने अपनी मौलिक कृत बीजक में कहा, परख लेहु खरा खोट हो रमैया राम। हे रमैया राम, तुम सत्य और असत्य की परख करो। परख करने की बात साहेब कहते हैं। ग्रंथ में लिखी हुई वाणी को अगर हर आदमी विवेक की कसौटी पर कसकर परखने लगे तो जो अंधविश्वास है सब समाप्त हो सकता है। तीसरी चीज की हम परख नहीं करते हैं, अपनी मान्यताओं की परख नहीं करते। अपनी मान्यताओं की परख नहीं करते हैं, मान लेते हैं, इसीलिए हमारा पूरा जीवन बेकार चला जाता है। आवश्यकता है हम अपनी मान्यताओं की भी परख करें। मान्यताओं की परख न करने से कैसे जीवन बेकार हो जाता है? एक छोटा सा उदाहरण दूं जिससे बात समझ में आ जाए। एक आदमी था, बहुत चालाक था, बहेलिया था। एक तोता फंसा लिया, उसको छोटा सा सूत्र रटा दिया, इसमें क्या संदेह। और जब अच्छी तरह से उच्चारण करने लगा तो बहेलिया मार्केट में जाता है, ब्लैक बोर्ड ले जाता है, तोता की योग्यता लिखता है। तोता चार वेद, छह सात, अठारह पुराण, 108 उपनिषद, बाइबिल, सब सारे धर्म ग्रंथों का ज्ञाता है। कीमत लिखता है 1,00,000 रुपया। जो भी आदमी मार्केट में जाता, तोता की योग्यता को पढ़ता, उसके मन में एक बार जरूर संकल्प उठता कि इस तोता को हम लें। किंतु जब कीमत देखते 1,00,000 रुपया तो मन की बात मन ही में पचा डालते। एक सेठ जी थे, प्रतिवर्ष सम्मेलन बुलाते थे, लाखों रुपए खर्च करते थे। 3 दिन के बाद चौथे दिन कोई विद्वान नहीं रहता था। सेठ जी वहां पहुंचे, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज तक हमारे सम्मेलन में इतना प्रकांड विद्वान कोई नहीं आया है, हम तोता लेंगे। मैनेजर को तुरंत फोन किए कि 1,00,000 रुपया लेकर के आओ। मैनेजर फोन करते हैं,
वो आकर के फोन से पैसा लाते हैं और ला करके जब फोन पैसा देते हैं तो बहेलिया बहुत चालाक था, बहेलिया ने कहा कि सेठ जी अभी आप परीक्षा कर सकते हैं। और उन्होंने कहा क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें चारों वेद कंठाग्रह है? उसने कहा इसमें क्या संदेह। उसके उच्चारण को सुनकर सेठ जी गदगद हो जाते हैं, पैसा देते हैं। बहेलिया ने कहा सेठ जी बिका हुआ माल वापस नहीं होता। जितने चालाक व्यापारी होते हैं सभी व्यापारी इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता। सुबह होते ही तमाम तरह से प्रचार कर दिए सेठ जी कि हमारे पास एक विलक्षण तोता है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता है, पंडित मौलवी काजी पादरी महात्मा कोई भी आकर शास्त्रार्थ कर सकता है। सुबह होते ही एक द्विवेदी जी पहुंच गए। द्विवेदी जी ने पूछा क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें चारों वेद कंठाग्रह है? उसने कहा इसमें क्या संदेह। उसकी आवाज को सुनकर द्विवेदी जी घबरा जाते हैं कि मैं तो दो वेद जानता हूं, ये चार वेद जानता है, अगर शास्त्रार्थ किया हार गया तो मेरी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। चुपचाप चले जाते। सुबह होते ही एक मौलवी जी पहुंच गए। मौलवी जी ने पूछा क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें कुरान शरीफ याद है? उसने कहा इसमें क्या संदेह। वे भी उनकी वाणी को सुनकर के ज्यों का त्यों लौट जाते हैं। तीसरे दिन एक पादरी महोदय आते हैं, प्रश्न किया क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें बाइबल याद है? उसने कहा इसमें क्या संदेह। वे भी चुपचाप चले जाते। जहां देखो सेठ जी के तोते की चर्चा होती, सेठ जी के मन में बहुत इस प्रकार से तृप्ति होती है कि 1,00,000 रुपया गया तो गया, किंतु हमारे तोते की चर्चा पूरे नगर में हो रही। एक भ्रमण करते हुए विवेकी पारखी संत पहुंचे, लोगों ने श्रद्धा से उनका बताया कि एक सेठ जी के पास विलक्षण तोता है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता है। पारखी संत थे, उन्होंने कहा ऐसा संभव नहीं है, विश्व में 2,792 भाषाएं हैं, सभी भाषाओं का ज्ञाता एक आदमी नहीं हो सकता है, तोता कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा महाराज जी शंका हो तो आप स्वयं चल करके समाधान करें। महाराज जी जाते हैं, सेठ जी संत को आते देखकर खड़े होकर के प्रणाम करते हैं, पूछते हैं भगवान आप कैसे दर्शन दिए? उन्होंने कहा कि हम ऐसा सुने हैं कि आपके पास एक विलक्षण तोता है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता है, हमें भी कुछ पूछना है। सेठ जी बहुत प्रसन्नचित होकर के उन्हें ले जाते हैं। महाराज जी पूछते हैं क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें चारों वेद कंठाग्रह है? उसने कहा इसमें क्या संदेह। तो ऋग्वेद का पहला मंत्र सुनाओ। दुनिया की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है। उसने कहा इसमें क्या संदेह। महात्मा ने कहा संदेह हमें है जो हम पूछते हैं, अच्छा ये बताइए क्या सचमुच तुम्हें गीता याद है? उसने कहा इसमें क्या संदेह। तो गीता में दैवी संपदा के लक्षण सुनाइए। उसने कहा इसमें क्या संदेह, क्या बालकांड रामायण आपको याद है? उसने कहा इसमें क्या संदेह। तो बालकांड का प्रथम दोहा सुनाइए। उसने कहा इसमें क्या संदेह। महात्मा अपना जजमेंट बनाते हैं और सेठ जी को सुनाते हैं, सेठ जी आपका तोता कुछ भी नहीं जानता, यह प्रश्न ही नहीं समझता है, उत्तर क्या देगा? सेठ जी का चेहरा गुलाब के फूल की तरह जो खिला हुआ था मुरझा जाता है। सेठ जी दुखी हो जाते हैं और कहते हैं क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम कुछ भी नहीं जानते हो? उसने कहा इसमें क्या संदेह। सेठ जी दुखी होकर कहते हैं क्यों तोताराम, क्या मेरा 1,00,000 रुपया बेकार चला गया? तोता कहता है इसमें क्या संदेह। आप बिना परख किए तोता को ले लिए हैं तो आपका 1,00,000 रुपया बेकार चला गया। बंधुओं इसी प्रकार से अगर हम अपनी मान्यताओं की परख नहीं करेंगे तो हमारा तो पूरा जीवन ही बेकार चला जाएगा, और बेकार चला जा रहा है। हम अपनी मान्यताओं की परख नहीं करते हैं कि हम शरीर हैं, कि शरीर में रहने वाले हैं,
सुख क्या चीज है, सुख किसमें है, क्यों प्रतीत होता है, हम परख नहीं करते हैं। इसलिए बहुत जरूरत है। संत सम्राट श्री गुरु कबीर साहब ने कहा, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देह लखाई, कहां ही कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। ये आज भूल मिट सकती है, जो हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं ये भूल मिट सकती है, या मान लेते हैं तथाकथित ज्ञानी मानते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, चल जो भी दृश्य अदृश्य दिखाई देता है सब मैं हूँ, सब मैं नहीं हूँ, सबका जनैया, सबका ज्ञाता, दृष्टा साक्षी, सबसे भिन्न ज्ञान स्वरूप चेतन है, ऐसा यथार्थ बोध आज हो सकता है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, अगर पारखी गुरु मिल जाए तो भूल मिट सकती है। दूसरी भूल है पंच विषयों में सुख है, ये सबसे बड़ी भूल, ये भी भूल मिट सकती है। किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर में किंचित भी सुख नहीं मालूम होता है, शरीर दृश्य है, जड़ है, मुर्दा है, अलग अलग करके देखें तो आपको साफ बोध हो जाएगा इस शरीर में सुख नाम की कोई चीज नहीं है। शरीर की वास्तविकता का जितना गहरा बोध होगा उतनी ही आपको उधर की आसक्ति को छोड़ने में, निर्विकार जीवन जीने में सुंदर प्रेरणा मिलेगी। और दिशा बदल जाती है तो दशा बदल जाती है, समझ बदल जाती है तो चाल बदल जाती है। आप यहाँ पर आकर के 3 घंटा अपना समय देते हैं, समय आप 3 घंटा देते हैं तो आपको यहाँ से क्या मिलता है, समझ मिलती है। आप समय देते हैं तो यहाँ समझ मिलती है, और आदमी की समझ ठीक हो जाए तो हर आदमी अच्छा जीवन जी सकता है। खराबी केवल समझ में है और कहीं कोई खराबी नहीं है। भौतिकता से आदमी बहुत संपन्न होने पर भी जो दुखी है उसका भी मूल कारण यही है। एक शायर लिखता है, आज आदमी के पास टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, गोल्डन सेट, डायमंड सेट, सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है। उसके पास सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है, उसकी सोच सही नहीं है, इसलिए आदमी भीतर से दुखी है। जब तक आदमी की भीतर की सोच सही नहीं होगी तब तक आदमी सुखी नहीं हो सकता है। गांधी जी ने 3 बंदर दिए, एक बंदर दोनों हाथ से आंख बंद किए है, एक बंदर दोनों हाथ से कान बंद किए है, एक बंदर दोनों हाथ से मुंह बंद किए। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, संकेत बताता है, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। बहुत अच्छी बात है, किसी आदमी को बुरा बोलने से फिर तुरंत परिणाम देखने को मिल जाता है, किंतु एक बंदर गांधी जी और बनाए होते तो बात पूरी हो जाती। एक बंदर बनाए होते वो बंदर माथे पर हाथ रखता और ये प्रेरणा देता कि बुरा मत सोचो। जब आदमी बुरा सोचता है तभी बुरा बोलता है, तभी बुरा देखता है, तभी बुरा सुनता है। मूल में खराबी आदमी की सोच में है। और सत्संग में आने से सबसे बड़ा लाभ मिलता है, आदमी की सोच सही हो जाती है, और सोच सही हो जाती है तो उसके पास जो है उसमें सुख पूर्वक जीवन जीता है, अपने जीवन को महान बना लेता है, अपने जीवन में आमूल परिवर्तन कर लेता है। सोच ही खराब के कारण से आदमी व्यसनों का शिकार है, वासनाओं का शिकार है, कल्पनाओं का शिकार है। अगर उसके अंदर भीतर की सोच सही हो जाए तो हर आदमी अच्छा जीवन जी सकता है, हर आदमी राष्ट्र का अच्छा नागरिक हो सकता है। सोच सही न होने पर आदमी दुखी कैसे रहता है। अमेरिका का एक व्यक्ति था, उसका नाम था एंड्रो कार्नेगी। उसके पास शरीर छूटने के समय $10 अरब नगद रुपया था। उस समय विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा धनवान आदमी था। शरीर छूटने का समय आया, मित्रों ने पूछा, आप दुनिया के सबसे बड़े धनवान आदमी, संसार से विदा होने का समय आया है, संसार से संतुष्ट होकर प्रसन्न होकर आप जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा, चलते समय मेरा दिल क्यों दुखाते, मेरे समान संसार में कोई आदमी दुखी नहीं,
मित्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्या आपके न रहने पर हम यही संदेश सबको देंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी दुनिया का सबसे बड़ा दुखी आदमी था, आप इसका राज खोलिए, आपको क्या नहीं मिला है, आप क्या नहीं कर पाए हैं, ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरे समान दुनिया में कोई दुखी आदमी नहीं है, इसका राज खोलिए। तब उन्होंने कहा, मैंने सोचा था जीवन के अंतिम क्षण में 100 अरब डॉलर रुपया कमाऊंगा, किंतु 10 अरब डॉलर रुपया कमाया, 90 अरब डॉलर घाटे से मैं मर रहा हूं। जिस आदमी को 90 अरब डॉलर घाटा महसूस होगा, सचमुच वो दुनिया का सबसे बड़ा दुखी आदमी होगा। उनकी सोच केवल गलत थी। अगर सोच ये होती कि मैंने इतना पुरुषार्थ किया कि दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी हो गया, वो बड़े संतुष्ट होते, बड़े प्रसन्न होते, किंतु सोच सही नहीं थी कि 100 ऋण 10 = 90 अरब डॉलर घाटे से मैं मर रहा हूं। आदमी के पास चाहे जितना धन बढ़ जाए, पद बढ़ जाए, परिवार बढ़ जाए, अगर उसकी सोच सही नहीं होगी तो आदमी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग से जो लाभ मिलता है वो सबसे बड़ा लाभ मिलता है। कृषि, व्यापार और सर्विस से जो लाभ मिलता है उससे केवल जीवन गुजर होता है और अधिक लाभ नहीं होता है, केवल जीवन गुजर का साधन है। जीवन हम अच्छा कैसे जिए, इसके लिए हमें संतों की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है, गुरुजनों की जरूरत है। अगर हम अच्छा मकान बनाना चाहते हैं तो हमें धन की जरूरत होती है, धन के बिना हम अच्छा मकान नहीं बना सकते हैं। अगर जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें अच्छे विचारों की जरूरत होती है। अच्छे विचारों के अभाव में कोई भी आदमी अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकता है। मकान बनता है ईंटा, चूना, सीमेंट, लोहा, पत्थर और लकड़ी से, जीवन बनता है विचारों से। जिस आदमी के पास जितने अच्छे विचार होंगे उतना ही अच्छा उसका जीवन होगा। वैचारिक धरातल गिर जाने का परिणाम आज पूरे विश्व को भोगना पड़ता है। वैचारिक धरातल गिरने का कैसा परिणाम निकला है, एक छोटी सी रोचक कहानी सुनाऊं। एक बार भगवान ने सब प्राणियों को बुलाया, आदमी, जानवर, पशु, पक्षी, सबको बुलाया और कहा, मैं तुम्हारा सृष्टा हूँ, मैं सबको सुखी देखना चाहता हूँ। एक पिता अपनी संतान को सुखी देखना चाहता है, मैं परम पिता हूँ, मैं सबको सुखी देखना चाहता हूँ। एक एक वरदान जो चाहो मांगो, एक एक वरदान दूंगा सबको, अपने सुखी होने के लिए एक एक वरदान मांगो। पहले कौन मांगे, क्योंकि बहुमत का जमाना है, आदमी को बहुमत नहीं मिला। पूरे विश्व में 7.5 अरब के अंतर्गत आदमी की संख्या है। अगर कोई सरकार गणना कर सके तो हैदराबाद में 7.5 अरब से ज्यादा मच्छर ही मिल जाएंगे, फिर कहां आदमी की संख्या बहुत ज्यादा है। आदमी को बहुमत नहीं मिला, जल में रहने वाले प्राणियों को बहुमत मिला। मछलियों से भगवान ने पूछा, अपने सुखी जीवन जीने के लिए एक वरदान मांगो। उन्होंने कहा, भगवान आप बहुत बड़ी कृपा किए हैं, दर्शन दिए हैं, हमें सुखी देखना चाहते हैं, तो एक उपाय करें, केवल आदमी को अपने पास बुला लें तो हम सुखी हो सकते हैं। अगर धरती तल पर आदमी रहा तो हमारे सुखी होने का कोई उपाय नहीं, चाहे हम नदी में रहें, तालाब में रहें, समुद्र में रहें, बुद्धि आपने आदमी को दिया है, ऐसा जाल फैला देता है, पकड़ करके हमारी वंश को खत्म करने पर लगा हुआ है। इसके यहाँ कोई मर जाता है तो ये घर में भोजन बंद हो जाता है, शमशान में जलाता है, और हमको पकड़ करके पका करके घर में अपने पेट के अंदर रख लेता है। आदमी को अपने पास बुला ले तो हम सुखी हो सकते हैं, नहीं हमारे सुखी होने का कोई उपाय नहीं। जितने प्राणी थे, घोड़ा, हाथी, सबसे भगवान ने पूछा, सबने एक ही बर मांगा कि आदमी को अपने पास बुला ले तो हम सुखी हो सकते हैं। हाथी ने कहा, हमारे पास इतनी आपने ताकत दिया है कि आदमी के ऊपर पैर रख दे तो आदमी का जीवन समाप्त हो सकता है, किंतु बुद्धि आपने आदमी को दे दिया है, ये हमारे ऊपर बैठ करके लोहा का साधन लेता है, ऊपर मारता है, उठ कहो तो उठना पड़ता है, बैठ कहो तो बैठना पड़ता है, चलो तो चलना पड़ता है, हमारा पूरा जीवन बेकार हो गया, आप आदमी को अपने पास बुला ले तो हम सुखी हो सकते हैं। पक्षियों से कहा गया,
पक्षियों ने कहा हम आकाश में उड़ते हैं, इसका कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। बुद्धि आपने आदमी को दिया है, राइफल की एक गोली मारता है, नीचे उतार देता है, पका करके खा जाता है, हमारा सारा वंश समाप्त किए देता है। सब प्राणियों ने एक ही वर मांगा कि आदमी को अपने पास बुला ले। भगवान को बहुत गहरा दुख हुआ। उन्होंने कहा सर्वोत्तम कृति मेरी मनुष्य की है, किंतु आदमी को बुलाने में मैं अपने आप असमर्थ। बोलो सतगुरु देव की जय। बैठ जाए। भगवान ने कहा आदमी को मैं अपने पास बुलाने में असमर्थ। सभी ने कहा कि जितने शास्त्र हैं सब कहते हैं भगवान सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, जो चाहे कर सकता है। आप श्रीमुख से कहते हैं कि मैं आदमी को अपने पास बुलाने में रखने में असमर्थ हूँ, इसका क्या कारण है, क्या राज है? उसने कहा आदमी को सफा करने की आदत पड़ गई है। ये मछलियों को सफा कर रहा है, मुर्गा को सफा कर रहा है, कबूतर को सफा कर रहा है। अगर मैं इसको अपने पास रखा तो मुझको भी सफा कर सकता है, इसलिए मैं भी आदमी को अपने पास नहीं रख सकता हूँ। क्यों ऐसा हुआ? केवल वैचारिक धरातल गिर जाने का दुष्परिणाम है कि आज विश्व में समस्याओं का अंबार लगा हुआ। जहां देखो बलात्कार की घटना, आतंकवाद की घटना, बम विस्फोट की घटना, चारों तरफ जो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है केवल मनुष्य की वैचारिक धरातल गिरने का मात्र दुष्परिणाम है। और वैचारिक धरातल को ऊपर उठाने का सबसे सबल माध्यम सत्संग। इसलिए बाबू गुरुजी ने बहुत सुंदर प्रयास किया है, बहुत सुंदर प्रशंसनीय कार्य किया है कि यहाँ के नागरिकों को, सज्जनों को, देवियों को, भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से गुरुजनों को, संतों को आमंत्रित करके बड़े ही श्रद्धा भाव से सेवा किए। 3 दिन सत्संग का सुंदर कार्यक्रम रहे, सुंदर विचार, संप्रदाय निरपेक्ष चिंतन हुआ, सार्वभौम चिंतन यहाँ से दिया गया है। गुरुजनों ने सार्वभौम चिंतन दिया, कोई संप्रदाय का चिंतन नहीं, एक जाति के लिए नहीं, समग्र मानव जात के हित पर उन्होंने चिंतन दिया है। गुरुजनों को बहुत बहुत साधुवाद और इस प्रकार से बाबू गुरुजी के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत धन्यवाद देते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हेलो साहेब, बंदगी साहेब, बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की। अभी हेलो हेलो प्रेम से बोलिए सद्गुरु देव की जय। हेलो ऑपरेटर, माइक ऑपरेटर जी, माइक ऑपरेटर बैठे आराम से, इधर इधर इधर। अरे ये बंद है, इधर कनेक्शन बंद है इसका। अच्छा वहां से बंद। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।
ना कुछ एहसास है, जज्बा है ना कोई करीना है, नहीं जीने का कोई मकसद तो फिर बेकार जीना है। जियो इस तरह की ये जिंदगी औरों के काम आए, जियो इस तरह की ये जिंदगी औरों के काम आए, जलाओ ऐसी शम्मा की रोशनी औरों के काम आए। यही नहीं की मदी जो कुछ है, यही नहीं की बदी जो कुछ है, तेरे साथ जाएगा अलावा इसके तू नादान खाली हाथ जाएगा। क्योंकि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। सुनहरा शाम के बाद होता सवेरा, कहीं दिन निकलता सुनहरा, पांव फूलों पे रखने के पहले, पांव फूलों पे रखने के पहले, तुमको कांटों में चलना पड़ेगा, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जवानी है दो दिन का सपना,
ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ये जवानी है दो दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा, हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने का होता यही है, फिर मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने का होता यही है, या तो तुर्बत बनेगी जमी पर, या तो तुर्बत बनेगी जमी पर, या चिताओं में जलना पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ये तस्वुर ये जो से जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी, ये तस्वुर ये जो से जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ऐ जिया शाम तक देख लेना, ऐ जिया शाम तक देख लेना, चढ़ती सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय। हाँ, इधर 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 आ जाइए।
ताली बजाएं आप लोग थोड़ा सा। अरे उसको चित्र को दिखाइए, अटक गया है क्या? हाँ ठीक है, बढ़िया। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। बस और अब आ जाइए आप आइए बाबू गुरु जी। अब आप खड़े होइए, हाँ इधर आ जाए। हाँ आ जाए, हाँ ठीक है। जरा आप लोग जोर से ताली से सम्मान करें। जय हो गया भाई। अच्छा मंगलमय संत समाज, तथा भक्तगण एवं साध्वी, आज का ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। थोड़ा मुझे भी अवकाश मिला है, थोड़ा दो शब्द मैं बोल दूँ। सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल, धरती ने जानत आवन ऐसा गुरु विचार। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सदग्रंथ बीजक, उनकी अमृतमयी सत्य शिक्षा वाणी, जो साखी प्रकरण में बताया है कि सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल, धरती ने जानत आपगुन ऐसा गुरु विचार। धरती जानत आपगुन कधी न होती ढोल, तिल तिल गर्वी होती राहत ठिकों की मोल। इस दोनों साखी में सदगुरु प्रखातिर से धरती रूप ये शरीर को धारण करने वाले ये जीव अखंड अविनाशी मंगल स्वरूप है। जीव चेतन ज्ञान का भंडार है, ज्ञान स्वरूप होते हुए भी ये अपने आप को नहीं जानता। जैसे पृथ्वी नहीं जानता हर चीज मेरे से उत्पत्ति होता, वैसे ये जीव सबको उत्पत्ति करने वाला जीव ही है, सबका नाम रूप देने वाला जीव ही है। कोयला का उत्पत्ति करना, लोहे का उत्पत्ति करना, पत्थर का तरह तरह की उत्पत्ति करना, डीजल का, अनाज का, चारों खाने का, देहधारी प्राणियों का, सबका उत्पत्ति इस धरती से होता, सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते। और सबका नाम रूप ये धरती में इस कौन देता, सबका नाम रूप देने वाला ये धरती रूप शरीर को धारण करके ये जीव सबका नाम रूप देता है। चांद का, सूरज का, नक्षत्र का, हर चीज़ का नाम रूप आविष्कार करके बना करके, हर चीज़ का बड़े बड़े फैक्ट्री कारखाना इन सब का किसने आविष्कार किया, जीव ने किया। धरती जिस प्रकार से नहीं जानता पृथ्वी मेरे से उत्पत्ति हुआ, चार खाने का, प्राणियों का, 18 बार वनस्पतियों का, इसी प्रकार से जीव ज्ञान स्वरूप होते हुए भी अपने आप को मैं नहीं जानता कि मैं सबका
आविष्कारक हूँ, सबको नाम रूप देता हूँ, सबकी कल्पना करने वाला, चांद सूरज का, नक्षत्र का, स्वर्ग का, वैकुंठ का, देवी देवता, भूत प्रेत चंसुर, हर चीज का कल्पना करने वाला, चार वेद, छः शास्त्र, 18 पुराण, नौ व्याकरण, मठ मकान, मंदिर मस्जिद पूर्ति, इन सब का आविष्कार कौन के नाम रूप किसने देता, पर ये अपने आप को नहीं जान पाता, ये बड़ा खेद है। सदगुरु कहते हैं कि सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल, सबका प्रतिपाल रक्षा इस चारों खाने का, देह प्राणी का, इस धरती से होता, पर धरती ने जाना था गुण, धरती अपने क्षमता, अपने गुण, अपनी प्रभाव, अपने शक्ति को नहीं जानता। इसी प्रकार से जीव धरती रूप शरीर को धारण करके अपने शक्ति, अपने गर्मा, अपने प्रभाव को नहीं जानता। धरती जानत आप गुण कभी न होती ढोल, ये धरती कई पृथ्वी अपना गुण, अपनी प्रभाव, अपनी क्षमता, अपनी स्वभाव को जान लेता तो कभी ये धरती में चक्कर, धरती चक्कर नहीं काटता चांद सूरज को। धरती 24 घंटा घूम रहा पृथ्वी है, जिसे रात और दिन हो रहा है, इस बात को कोई जानता नहीं, धरती खुद नहीं जानता। इसी प्रकार ये धरती रूप शरीर को धारण करके ये जीव नहीं जानता, सबको आविष्कार करता, सबका नाम रूप देता, सबका कल्पना करता, पर ये नहीं जान पाता। धरती जानत आप गुण, धरती अपने गुण को जान लेता तो धरती स्थिर हो जाता, चक्कर नहीं काटता, नहीं डोलता। इसी प्रकार ये जीव अपना गुण, अपने स्वभाव, अपने स्वरूप का इनको बोध हो जाता, जानता तो फिर ये डोलता नहीं, जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता, आना जाना आवागमन सदा के लिए मिट जाता। धरती जानत आप गुण कभी न होती ढोल, और तिल तिल गर्वी होती रात ठिको की मोल, तिल तिल थोड़े 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 समझ लेता, और समझ कर अपने आप का गुरुत्वपद भजनदार भारी प्रभाव को समझ लेता, मेरे से बढ़कर के विश्व में कोई ऐसा आविष्कारक नहीं, नाम रूप देने वाला, ज्ञान का भंडार, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान और विज्ञान का, हर चीज़ का आविष्कार किसने करता, इन सब बात को जान लेता, अपना स्वरूप का इनको बोध होता तो जन्म मरण के चक्कर में नहीं डोलता, कभी न होती डोल, तिल तिल गर्वी होती तिल तिल थोड़े थोड़े रुकते रुकते ठहरते ठहरते समझते समझते समझ लेता तो कभी न होती डोल, तिल तिल गर्वी होती राहत टिको की मोल, ठीक कई मोल कीमत, इनके कीमत खुद अपने आप का खुद लगा लेता तो कभी ये कंकड़ पत्थर के दाम में नहीं बिकता, कंकड़ पत्थर के जितना दाम है उससे भी गए बिचरे इसका अपना कीमत घटा लिया। हंसा तू स्वर्ण वर्ण है, क्या वर्णों मैं तो, तरवर पाए पहेलियो तभी सरा हूँ तो, तरवर कई स्त्री रूपी शरीर वृक्ष को पा करके अगर बूझ लेता समझ लेता तो तेरा विशेषता हो जाता है, तुम्हारे अंदर में अनंत शक्ति का भंडार है, पर अपने शक्ति को खो करके हैं तुच्छ बन करके बैठा है, इसलिए बड़ी खेद है। सदगुरु कहते हैं कि तेरे से बढ़कर के और कोई दूसरा नहीं है, तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मैं ज़्यादा ना कह करके साहब को समय देना है, हैं और जब अंतिम समय है इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव। भारत से आए हुए अनेकों प्रदेशों से संत और साधी माताजी लोग, बहन लोग, उसी प्रकार अन्य प्रदेशों से आए हुए हमारे गुरु भाई लोग और भक्त लोग, जो इस कार्यक्रम को आप लोगों ने श्रद्धापूर्वक समय निकालकर यहाँ पर हैदराबाद शहर में आप लोग पधार कर हमने जो यहाँ पर आयोजन किया था, हमारे
पूजनीय गुरु जी के आदेश के कारण ही हमने इस कार्यक्रम को, उनके आदेश के कारण यहाँ पर 4 दिवसीय कार्यक्रम को हमने उनका निर्णय और हमने उस कार्य को पूरा करने निर्णय यहाँ किया था, तो उसको आप लोगों ने भी यहाँ पर बढ़ चढ़ कर आकर 4 दिन का समय निकाला है। और हमारे छत्तीसगढ़ से गुरु शरण जी भी जो भजन मंडली है, क्योंकि मैंने उनका भजन इलाहाबाद के अंदर मैंने जब गया था तो जब से मेरी इच्छा थी कि उनको एक बार हैदराबाद बुलाऊं मैं, उसी प्रकार वहाँ के जो जो भी देखा मैं खान पीन के बारे में और अन्य योग क्या जो भी मैंने भी भाग लिया हूँ वो भी मेरे को बड़ा अच्छा लगा। योग भी इसलिए करवाए है कि हम योग जितना योग करेंगे उतना हम रोग से दूर रहेंगे। हमारे भाई थे वो योग जो सिखाए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ का जो खान पीन के बारे में जो रसोइया थे भिकाराम जी, वो भी बढ़ चढ़ के बोले बाबूलाल भाई हम आएंगे, आप संतों का जो भी सेवा होंगी रोटी होंगी हमें पता है कि वो लोग किस प्रकार की उनकी खाने की रुचि रहती है, हम उसी प्रकार से रसोई बनाएंगे। और उसके अलावा भी हमने भी हैदराबाद के जो हमारे शहर के जो आते हैं उनके हिसाब से भी हमने और अलग रसोईया को रखकर हमने भोजने की व्यवस्था की है। और इन सभी लोगों के सहयोग के कारण, इन सभी लोगों के यहाँ पे आने के कारण और खास करके हमारे भाग्यनगर के जो माता और बहन लोग हैं, गुरु भाई लोग हैं और प्रदेशों से आए गुरु भाई लोग, भाई सभी और खास करके मेरे सामने बैठे हुए हमारे वैकुंठ अम्मन्ना है, हमारे गोविंद राठी जी, बुग्गया जी, राजेंद्र जी और हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे हुए करतार सिंह जी, ये सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी प्रकट करता हूँ। हमारे संत कबीर सेवा समिति, मानव कल्याण सेवा समिति के द्वारा आप सभी का मैं आदर अभिनंदन करता हूँ। इसी प्रकार से कभी भी कुछ कार्यक्रम होगा मैं आपके ध्यान में लाऊंगा और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसी प्रकार से आप बढ़ चढ़ कर आकर तन मन धन से इस कार्यक्रम को सेवा कर पूरा करेंगे। और मैं गुरु से निवेदन करता हूँ इन सभी को आप शुभ आशीर्वाद दे के हमारे हैदराबाद शहर भाग्यनगर को आप एक अच्छा एक आगे बढ़ने निकलने के लिए आशीर्वाद देंगे। मैं इन आशाओं के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन के बलिहारी, दर्शन के बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन के बलिहारी, तुम्हारे दर्श से संकट कटत है, तुम्हारे दर्श से संकट कटत है, भरम मिटावत भारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन के बलिहारी, दर्शन के बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन के बलिहारी, संत स्वरूपी आप कृपानिधि, संत स्वरूपी आप कृपानिधि, भूलत भरम की वारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन के बलिहारी, दर्शन के बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन के बलिहारी। जिन्हें दरस सुख दियो दया करी, जिन्हें दरस सुख दियो दया करी,
आवागमन निवारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन के बलिहारी, दर्शन के बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन के बलिहारी। सुख स्वरूप कबीर कृपा निधि, सुख स्वरूप कबीर कृपा निधि, पूरन परख बिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन के बलिहारी, दर्शन के बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन के बलिहारी, दर्शन के बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन के बलिहारी, दर्शन के बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन के बलिहारी। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, फल मिलता है उस तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चरणों में, फल मिलता है उस तीर्थ का कल्याण तुम्हारे माया शरण तुम्हारी आया हूँ, मैं जन्म जन्म भर माया हूँ, तब शरण तुम्हारी आया हूँ। इस भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, पर खाते हो दुखियों का दुख मिटाते हो, दया दिव्य दृष्टि पर खाते हो, तब आवागमन मिटाते हो, है मोक्ष तुम्हारे चरणों में, तब आवागमन मिटाते हो, है मोक्ष तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, पार जो दर्शन पाता है बस आप ही का हो जाता है,
बार जो दर्शन पाता है बस आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारे चरणों में। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जन्मों का भूला शरण पड़ा तब आकर तुम्हारे द्वार खड़ा। जन्मों का भूला शरण पड़ा तब आकर तुम्हारे द्वार खड़ा। काटो सकलो बंधन मेरा है निर्मल तुम्हारे चरणों में। काटो सकलो बंधन मेरा है निर्मल तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हल मिलता है उस तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरु दरिया में नहाना हो जाके दुर्मति भागे। गुरु दरिया में नहाना हो जाके दुर्मति भागे। दुर्मति भागे साहेब दुर्मति भागे। दुर्मति भागे गुरुवर दुर्मति भागे। गुरु दरिया में नहाना हो जाके दुर्मति भागे। गुरु दरिया में नहाना हो जाके दुर्मति भागे। सदा जल निर्मल गुरु दरियाव सदा जल निर्मल। पैठत उपजत ज्ञाना हो जाके दुर्मति भागे। गुरु दरिया में नहाना हो जाके दुर्मति भागे। कोटिन तीरथ गुरु जी के चरणन। कोटिन तीरथ गुरु जी के चरणन। श्री मुख आप बखाना हो जाके दुर्मति भागे। गुरु दरिया में नहाना हो जाके दुर्मति भागे। गुरु दरिया में नहाना हो जाके दुर्मति भागे।
पलटू दास दरियाव नहावे, पलटू दास दरियाव नहावे, अजर अमर पद पाना हो जाके दुर्मति भागे, गुरु दरिया में नहाना हो जाके दुर्मति भागे, गुरु दरिया में नहाना हो जाके दुर्मति भागे, दुर्मति भागे साहेब दुर्मति भागे, दुर्मति भागे गुरुवर दुर्मति भागे, गुरु दरिया में नहाना हो जाके दुर्मति भागे, गुरु दरिया में नहाना हो जाके दुर्मति भागे, गुरु दरिया में नहाना हो जाके दुर्मति भागे। सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे गुरुवर, करते हो सब काम हो रहा है। क्या बताऊं गुरुवर, अब क्या बताऊं गुरुवर, आराम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे गुरुवर, करते हो मेरे साहेब, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। तेरी
तेरी बदौलतों से तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है करते हो मेरे गुरुवर करते हो मेरे साहेब मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है तेरा दामन आराम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो मेरे गुरुवर करते हो मेरे साहेब करते हो मेरे गुरुवर करते हो मेरे साहेब मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।